दोस्तों कई दिनों से भारत और चीन में तनाव चल रहा है। बॉर्डर पर बने हालातों को देखते हुए भारतीय सेना भी हर तरह से तैयार है। बॉर्डर पर 24 घंटे सैनिकों की तक भी मुस्तैदी रहती है। हालांकि इस मामले को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत चल रही है, लेकिन इसके बाद भी भारत किसी भी तरह की कोई ढील नहीं छोड़ना चाहता जिससे कोई भी खामियाजा भारत को भुगतना पड़े। ऐसे में इन सभी स्थितियों से निपटने के लिए भारत तैयार है। इन्हीं के चलते लद्दाख के पास लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी कि LAC के पास भारत ने हवाई पट्टी के निर्माण को और तेज कर दिया है। इसके साथ ही बोफोर्स आर्टिलरी की तैनाती भी हो रही है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के नजदीक यानी कि अनंतनाग के पास NH-44 पर इमरजेंसी हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है, जिससे किसी भी इमरजेंसी के समय लड़ाकू विमानों या अन्य किसी विमान को उतारा जा सके। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास चीन ने भी कई तरह का निर्माण किया है और साथ ही कई तरह के हथियारों को सप्लाई भी बढ़ाई है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने लगभग 60 बोफोर्स आर्टिलरी गन और लद्दाख के पास फॉरवर्ड पोजीशन पर भेज रहा है। इसके साथ ही भारतीय सेना की तरफ से ये भी कहा गया है कि वह चीन के साथ ताजा विवाद को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी स्थिति में निपटने के लिए वे तैयार हैं। भारतीय वायुसेना के द्वारा दक्षिण कश्मीर में बिजवेहरा इलाके के पास NH-44 पर हवाई पट्टी बनाई जा रही है, जिसकी लंबाई 3 किलोमीटर है। चीन के बीच चल रहे तनाव के कारण 2 दिन पहले ही इस पट्टी का निर्माण शुरू हुआ है, जो युद्ध स्तर पर चल रहा है। हालांकि कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अभी लॉकडाउन जारी है, लेकिन इस निर्माण से जुड़ी सभी अनुमतियों को जिला प्रशासन ने तुरंत जारी कर दिया है, क्योंकि स्थितियों को देखते हुए अब इंतजार का समय नहीं रहा है। वैसे पिछले 1 महीने से चल रही तनातनी के बाद अच्छी खबर यह है कि चीनी सेना 2 किलोमीटर पीछे हट गई है और ये 6 जून को होने वाली एक और बातचीत से पहले अच्छे संकेत दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि कोरोना वायरस महामारी की वजह से लद्दाख में सड़क निर्माण रुक गया था, लेकिन अब भारत ने इस निर्माण को फिर से शुरू कर दिया है और इस पर तेजी से काम चल रहा है। वहीं दोस्तों एक और खबर निकल के आ रही है, जिसमें दोस्तों लद्दाख में भारत और चीन के बीच बने तनाव पर दुनिया भर की नजर है। इस बीच रूस ने उम्मीद जताई है कि दोनों देश द्विपक्षीय बातचीत से लद्दाख में सीमा पर जारी तनाव को सुलझा लेंगे। साथ ही भारत और चीन के बीच अच्छे रिश्तों क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जरूरी बताया है। रूस के डिप्टी चीफ और मिशन रोमन बाबुस्किन ने उम्मीद जताई है कि दोनों पड़ोसी देशों के बीच सकारात्मक विकास देखने को मिलेगा। बाबुस्किन ने बुधवार को कहा, दोनों महान समाजों के बीच शांतिपूर्ण पड़ोस के लिए हमें सकारात्मक विकास की उम्मीद करनी चाहिए। हमारे भारतीय और चीनी दोस्तों के बीच कंस्ट्रक्टिव रिश्ते स्थिरता और सतत विकास पर क्षेत्रीय बातचीत के लिए बेहद जरूरी हैं। वहीं रोमन ने कहा कि रूस भारत और चीन ने संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी कि SCO ब्रिक्स और रूस चीन भारत के बीच ट्राइलेटरल फोरम की बैठकों में बातचीत पर विस्तार करने की राह देख रहा है, जब उनमें अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस को G7 में शामिल किए जाने की पेशकश कर सवाल किया था। तो उन्होंने कहा था कि G7 अब पुराना हो चुका है और दुनिया की समस्याओं को निपटाने के लिए G7 नहीं अब G20 ज्यादा कैबल होगा। बाकी दोस्तों आपको इस सबको लेकर क्या व्यू है आप हमें कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।